वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको नेताजी का चश्मा इस पाठ की कहानी जो है इसका सार बता रही हूँ। तो यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण जो पात्र हैं इस कहानी में उनका परिचय आपको दे देते हैं, जिससे आपको कहानी का सार बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और कहनी है, यदि आपको किसी और चैप्टर की कहानी का सार या कोई भी पाठ का सार पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और इस कहानी से संबंधित कोई भी यदि आपके प्रश्न हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जहाँ तक संभव होगा मैं हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगी। और कुछ बच्चे बुक्स का नाम पूछते हैं, तो अलग अलग बुक्स से हर चैप्टर तैयार किया जाता है, उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो इस कहानी में मुख्य पात्र हैं उसमें हालदार साहेब है। हालदार साहेब एक कंपनी में काम करते हैं जो सीमेंट की फैक्ट्री गांव में है, और ये भावुक हैं, सहृदय व्यक्ति भी हैं। मान वाला है यहाँ पर, जिसकी चौराहे पर दुकान है। एक कैप्टन नाम का व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, जो चश्मे बेचता था। और यहाँ पर मास्टर मोतीलाल हैं, जो हाई स्कूल में ड्राइंग के मास्टर हैं। कहानी का सार शुरू करते हैं। हालदार साहेब हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, दो ओपन सिनेमा घर और एक नगरपालिका थी। नगरपालिका कुछ ना कुछ करती रहती थी, कभी पक्की सड़कें बनवाने का काम करती तो कभी और भी विकास कार्य किया जाता था, कभी शौचालय बनवाने का काम करती तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया करती थी। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवाई। चौराहा यानी जो सर्किल होता है, सिटी का मेन सर्किल जो होता है वहाँ पर। चूंकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम मास्टर जी को दिया गया था। मूर्ति सुंदर बनी थी, लेकिन उसमें एक कमी रह गई थी कि नेताजी की आंखों पर पत्थर का चश्मा नहीं बन पाया। और सचमुच का चश्मा नेताजी को पहना दिया गया। जब हालदार साहेब आए तो उन्होंने सोचा कि आइडिया तो अच्छा है, मूर्ति तो पत्थर की थी और चश्मा असली था। दूसरी बार जब वो आए तो मूर्ति का तार का फ्रेम का गोल चश्मा उन्हें लगा हुआ दिखाई दिया। तीसरी बार जब वो आए तो चश्मा नया था। इस बार पान वाले से उन्होंने पूछा कि यह चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाले का है। हालदार साहेब समझ गए कि उसे बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती होगी, सो उन्होंने फ्रेम लगा दिया होगा। जैसे ही कोई फ्रेम मांग लेता कस्टमर, तो वो मूर्ति से उतार करके ग्राहक को दे देते और नया फ्रेम लगा देते। क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था या चश्मा बना नहीं पाया था। हालदार साहेब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है। शायद इसी कारण उनकी बिना चश्मे वाली मूर्ति वह देख नहीं पाता। पान वाले ने बताया कि यह लंगड़ा कैप्टन घूम घूम कर चश्मे बेचता है। तब हालदार बाबू के मन में देशभक्त कैप्टन चश्मे वाले के लिए आदर का भाव उमड़ पड़ा। हालदार साहेब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था। मरियल यानी बिल्कुल पतला सा, मरियल सा, दुबला सा, जिसके सिर पर गांधी टोपी और चश्मा था, और उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बार में टंगे ढेरों चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इसे ज़्यादा बताने से मना कर दिया था।
दो साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई बार चश्मे लगते हुए देखे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं दिखाई दिया। पूछने पर पता चला कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। लेकिन आदत से मजबूर हालदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। अजीब से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर के खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडा होता है तिनके की तरह का, जिसे हम मोड़ करके कोई सामान बना सकते हैं। खासकर गांव में आसानी से यह मिल जाता है। सरकंडे का चश्मा, जैसे कि बच्चे खिलौने बनाते हैं, वह लगा हुआ था। यह देख कर के हालदार साहेब की आंखें नम हो गई। यह है कहानी का सार। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर हर भारतीय के अंदर देशभक्ति की भावना है, चाहे वह, और हो सकता है कि उसने देशभक्ति के कार्य में योगदान नहीं किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भीतर देशभक्ति की भावना हो सकती है। इस प्रकार से आज मैंने आपको इस कहानी का सारांश बताया। मैं अपने अगले वीडियोस में इसके क्वेश्चन आंसर्स बताने की कोशिश करती हूँ। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को प्रेस भी कीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।